राम राम कोडर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड सिंस द प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप सीजन इज अप्रोचिंग नाउ, यू कैन चेक आउट द कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज, द लिंक टू व्हिच इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ठीक है गाइस, आज का क्वेश्चन डी, एंड लाइक मैं क्या ही बोलूं, इस क्वेश्चन का जो लॉजिक होगा ना, इसको मैं प्रो टिप में बहुत बार बोल चुका हूँ मेरे वीडियोस में, अगर कोई मेरा सिर्फ हीट कोट के कॉन्टेस्ट सॉल्यूशन भी फॉलो कर रहा है तो वो रिलेट कर पाएगा आज का वीडियो, एंड शायद सॉल्व भी कर पाया होगा, क्योंकि मैं हर बार दो तीन बार इसको प्रो टिप में बोला हूँ ये कॉन्सेप्ट को। तो क्या है क्वेश्चन, एक बार समझते हैं, देन वी गो टू द सॉल्यूशन पार्ट। बेसिकली या तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि यू आर गिवन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, एंड हर एक वर्टेक्स का कुछ ना कुछ वेट है। देखिए इस केस में इसका वेट 2 है, इसका वेट 5 है, इसका 9 है, तो हर एक वर्टेक्स का कुछ वेट है। आपको ऐसा चार वर्टेक्स सेलेक्ट करना है सच दैट वो चारों एक लीनियर इंक्रीज टाइप का होना चाहिए पहली बार, मतलब चारों लीनियर फैशन में होना चाहिए। मानो अगर आप वर्टेक्स चूज किए 1, 2, 4, 3, तो 1, 2 कनेक्टेड है, 4 है, अब 3 कहाँ गया भाई? इंक्रीज मतलब एक इस टाइप का फैशन होना चाहिए, राइट? 3 इधर ही होना चाहिए था, बट नहीं है, तो आप चूज नहीं कर सकते। अगर आप 0, 1, 2, 3 देते हैं तो देखिए पूरा 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 इंक्रीज फैशन है। अगर आप लोगे मैं बोलूंगा 3, 2, 0, 1, ये भी ठीक है, 3, 2, 0, 1 एक स्ट्रेट फैशन में जाना चाहिए। अगर आप कुछ भी सीक्वेंस दे रहे हैं तो आप 3 से 2, 2 से 0, 0 से 1, अगर आप ABCD देते हैं तो ऐसे भी BCC CCD देना, आप पहुंच पाओ, बस इतना ही है। ये बात क्लियर है? तो ये क्वेश्चन यही है कि आपको ऐसा चार वर्टेक्स देना है सो दैट इस फैशन में होना चाहिए कि चारों का आप एक लीनियर फैशन में एक्सेस करो, एंड वो चारों का आपको क्या करना है, चारों का जो वेट इसको मैक्सिमाइज करना है। जैसे अगर आप देते हो 0, 1, 2, 3, वेट क्या है 5, 2, 7, 9, 16, 8, 24 24। अगर आप लेते हो मेरे भाई 0, 1, 2, 4 ये भी इनर फैशन में, वेट क्या होगा 5 + 2 = 7 + 9 = 16 + 4 = 20 तो बेटर क्या है 24, तो आंसर 24 हो जाएगा इस केस में। तो बस जो भी आपको ग्राफ देगा आपको इस इनर फैशन में करना है सॉल्व। आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर, राइट? मतलब आपको ऐसे चार वर्टेक्स खोजना है जिसका वेट मैक्सिमम हो, राइट? ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन इज क्वाइट क्लियर। एंड 5 × 10⁴ है तो आप एन स्क्वायर नहीं सोच सके, ठीक है? नहीं तो अगर एन स्क्वायर सोचना तो क्या करते आप, अगर एन स्क्वायर सोचना होता आप क्या करते हैं? आप बोलते भाई मैं सीधा हर एक वर्टेक्स में जाऊंगा, मतलब 0 से किसी के पास गया 0 पे गया, तो वहां से नेक्स्ट एक चूज करूंगा, वहां से चूज करूंगा, एंड इस टाइप का कुछ सोचते, रैंडम थॉट बता रहा हूँ। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन पार्ट, देखते हैं कैसे करना चाहिए। गाइस अगर आपको याद होगा मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन आपको तीन चीज बोले कि आपको ऐसा तीन नंबर खोजना है, ऐसा तीन ये करना है, ऐसा तीन वो करना है, तो हमेशा फोकस होते सेंटर नंबर, ये बोलता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन में भी बोला था सेंटर पर फोकस करो, एक लेफ्ट में गिनो कितना है, राइट में गिनो कितना है, एंड आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा बोलता हूँ जब भी कोई तीन टिकड़ा पूछे तो आप हमसे सेंटर को फोकस करो, लेफ्ट राइट का से फिर इजी हो जाएगा क्वेश्चन। कुछ ना कुछ हम लोग टेक्निक बाइनरी से कुछ ना कुछ लगा के हम सॉल्व कर पाते हैं। इसमें वही है, आपको चार वर्टेक्स चूज करना है, राइट? अगर चार वर्टेक्स चूज करना है इसका मतलब तीन एज चूज करना है, तीन टिकड़ा, समझ में आ गया? तो आपको बस बीच का एज फिक्स कर देना है भाई, उसके आगे पीछे देखते रहो, जिसके से मैक्सिमम आएगा वो अपना आंसर है। एक बार से जुड़ गया ना, बस बीच के एज की कितना एजेस पॉसिबल है क्वेश्चन आपको दे रहे एजेस, हर एक एज का बीच का एज मानो भाई, उसका एज के आंसर देख लो। अब इसमें कुछ कुछ केसेस हो सकते हैं कॉर्नर वाले, जो आपने सोचने पड़ेंगे वो मैं बताता हूँ। देखिए क्या सोचना पड़ेगा भैया, अगर बीच का एज मान लो ऐसा कुछ ए बी है, और मान लो इसका ए बी सी है, इसका भी ए सी है, तो भैया आप इसके रेस्पेक्ट में इसको दे रहे हो, इसके रेस्पेक्ट में इसको दे रहे हो, तो दोनों सेम ही हो जा रहे हैं। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि इसके रेस्पेक्ट में आप अलग हो, इसके रेस्पेक्ट में भी आप अलग हो, और इसके मानो एक रेस्पेक्ट में 10-15 एज हुआ, बी का 20-25 एज हुआ, तो फिर कौन से देना चाहिए मेरे को? तो वही देना चाहिए जो मैक्सिमम दोनों केस में है, वही देना चाहिए जो आपको वेट मैक्सिमाइज करना है, राइट? तो अगर आप ये वर्टेक्स को फाइनल किए हो, ये एज को फाइनल किए हो, तो ये ए प्लस बी का तो वेट आएगा ही भाई। आपको इससे कॉरेस्पॉन्डिंग एक ऐसा वर्टेक्स है जिसका वेट मैक्सिमम हो जाए, वेट मैक्सिमम, एंड इससे कॉरेस्पॉन्डिंग एक ऐसा वर्टेक्स है जिसका वेट मैक्सिमम हो जाए, एंड ये दोनों वर्टेक्स सेम नहीं होना चाहिए, बस इतना ही तो बात है, खत्म। एंड इससे कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम मतलब हाउ, कैसे निकालेंगे भैया? ये तो निकाल सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, राइट? अगर ए बी आप वर्टेक्स ये रहे हो तो इसको शॉर्ट कर सकते हो, एक ही कॉरेस्पॉन्डिंग जितना भी है, जब मानो 2, 3 आप ये, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग मानो 6 है, 5 है, 4 है, 9 है, तो आप इसको शॉर्ट कर देना मेरे भाई इस ऑर्डर में। आप हमेशा जाकर देखना ये 9 देखना, एंड इसका मानो इसका भी 9 सेम हो गया, मानो ये 9 सेम ही है, लेट्स से ये 9 कॉमन है, और ये कुछ 2 है और 5 है और
सेवन है तो नाइन के पास गए, नाइन तो इसके पास भी है तो ये भी नहीं, नाइन लोगे इधर तो इधर सेवन ले लेना, आप समझ पा रहे हैं, इधर से एक नाइन ले लोगे तो इधर आप सेवन ले लेना, दैट विल बी द मैक्सिमम, बस यही लॉजिक है गाइस। आपको हर एक एच के पास जाना है जो कि वर्स्ट केस में ऑफ एन हो सकता है, हर एक एच के पास जाके आपको उससे सबसे बड़ा वर्टेक्स ले लेना है, उसके सबसे बड़ा वर्टेक्स ले लेना है एंड खत्म, उसके सबसे बड़ा वर्टेक्स ले लो एंड उसके, और एक टू एक एच में दो वर्टेक्स होते हैं, दूसरे वर्टेक्स कॉरेस्पॉन्डिंग सबसे बड़ा एच ले लो खत्म। एंड भैया इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सबसे बड़ा एच, और दोनों सेम नहीं होना चाहिए, हाँ सो ध्यान रखना। और भैया क्या हुआ कि टू और यही एच हो गया तो इसको आप ले नहीं सकते ना, मतलब अगर आप टू थ्री आपका अभी कॉरेस्पॉन्डिंग एच पे इटरेट कर रहे हो तो आप टू से क्या क्या ले नहीं सकते, टू से थ्री ले नहीं सकते, टू से थ्री ले नहीं सकते और जो कॉमन है वो ले नहीं सकते, बाकी तो कुछ भी ले सकते हो ना। तो आप जब टू का सारे एजेस पे इटरेट करोगे, आप देख लेना मेरे भाई, थ्री अगर आया पहले तो आप शॉर्ट कर लेना भाई, टू का सारा एजेस जितना भी है टू के रिलेटेड, मानो एच वन एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव एच सिक्स एच सेवन सात है, तो आप सात को डिक्रीजिंग ऑर्डर वेट में शॉर्ट कर लेना, क्योंकि आपको सबसे पहले सबसे महंगा वाला चाहिए, मानो सबसे पहले सबसे ज्यादा वेट वाला थ्री आ गया तो आप ले नहीं सकते क्योंकि ये ऑलरेडी लिया हुआ है, अभी बस कट गया, और क्या करना है भैया, और फिर आप कुछ भी है तो मानो फिर दूसरा वाला सिक्स नंबर है सबसे महंगा है भाई, ठीक है। अब आप गए इसके पास थ्री के पास, अब थ्री के पास मानो सबसे महंगा ही सिक्स है, आप उसको ले नहीं सकते क्योंकि आप इसमें ऑलरेडी ले चुके हो, ठीक है भैया। उसका नेक्स्ट महंगा मानो उसके पास टू है, उसको भी ले नहीं सकते आप, ले चुके हो, नेक्स्ट महंगा फाइव है। तो मेरे बोलने का मतलब है अगर आप थ्री से टॉप थ्री देखते हो तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि थ्री का जो टॉप थ्री होगा या तो पहला हो जाएगा वर्स्ट केस में, जो ए का टॉप उसके साथ मिक्स हो जाएगा और दूसरा वाला ए के साथ ही मिक्स हो जाए, ए बी में ए के साथ मिक्स हो जाए, तीसरा वाला तो आपका आंसर हो गया, तो बस आपको टॉप थ्री देखना है इधर से, आपको इधर से भी टॉप थ्री देखना है, तो क्या ही हुआ भाई, आपको सारे एजेस इटरेट करना है एंड पहले ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग टॉप थ्री देखते हैं, दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग टॉप थ्री एंड इसमें आपका आंसर आ जाएगा उस ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग, बस नो इटरेशन, फिनिश। नाइन इंटू एन आपका कॉम्प्लेक्सिटी एंड शॉर्ट ऊपर में पहले सब इसको कर दोगे बस, एंड ये लीनियर तो हमेशा होगा क्योंकि अगर आप बीच का फिक्स कर दे रहे हो तो साइड से कुछ भी होगा, ऐसे इधर से कुछ भी होगा तो लीनियर ही है भाई मेरे, बस इतना ही है एंड लिटरली एक बहुत जल्दी शूट खत्म कर दिया मैं, क्योंकि ये कंसेप्ट बार बार बता चुका हूँ आपको, एक बार कोड पार्ट पे चलते हैं आप देखना काफी आसान है, देखिए एक बार कोड समझ जाएंगे आप, देखिए मैं क्या क्या हूँ, मैं पहले तो इसको सारे एजेस दिए हुए थे फॉर्मेट में, 0 1 2 3 स्टेप का दिया होता, आई मेड इट एन एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ये मेरा तरीका है, तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में आ गया एंड देन मैं हर एक एच से कॉरस्पॉन्डिंग शॉर्ट कर दिया, मतलब जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग मानो 2 4 1 एच था, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 4 6 एच था, तो इनको शॉर्ट करना पड़ेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो भाई शॉर्ट टर्म एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर हर एक एच को, जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग जितना एच है 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जितना एच है, तो सबको शॉर्ट कर दो आप भाई, और ये सी एम पी क्या क्या है, जीरो शॉर्ट किया किस बेसिस पे किया, मानो अगर टू और थ्री दो है तो आप किसको पहले रखोगे, जिसका वेट ज्यादा है, तो बेसिक ऑन द वेट स्कोर ऑफ टू स्कोर ऑफ थ्री, ये होता है शॉर्टिंग का फॉर्मेट। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा गाइस, काफी डिटेल्ड वीडियो आया था शॉर्टिंग में, इसका एसटीएल सीरीज में आप जाकर चेक कर सकते हैं, शॉर्टिंग का दो वीडियो आया था, इसमें समझाया गया था शॉर्टिंग कैसे काम करते हैं, उसके अंदर के फंक्शन कैसे काम करते हैं, इंटरव्यू में आपको क्या पूछ सकता है, किस तरीके से कंप्यूटर लिख सकते हैं, सब बताया गया था, आप चेकआउट कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने तो सबको शॉर्ट कर दिया, मतलब अगर जीरो का कॉरस्पॉन्डिंग 1 2 4 है तो उसको बेसिक ऑन दैट वेट तो 2 4 1 मानो बेस्ट होगा, 2 का वेट मानो 10 है, 4 का वेट 8 है, 1 का इसका 6 है, तो इस बेसिस पे शॉर्ट हो जाएगा जीरो का, 1 का सब शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट कर दिया मैं, ठीक है। अब मैं क्या किया भाई, मैं हर एक एज पे इटरेट करूंगा, तो आई इटरेटेड ऑन एवरी एज, ठीक है। और अभी मानो मैं एक एज ए का मैं बी पे हूँ तो उसको स्टोर कर दिया यूबी में, तो यू से भी अभी एक एज में हूँ, अब मैं क्या करूंगा, कम से कम स्कोर में इतना तो हो गई जो यू का और बी का स्कोर इसमें, अब मेरे को क्या करना है भाई, अब आप जाइए आगे, और मैं बोला था अब यू से मिनिमम 3 देख लीजिएगा, मिनिमम 3 यू के कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम 3 आप देखो, और मानो ये पहले आप जो देख रहे हो वो बी है, इसका बराबर है तो स्किप करो, नहीं अलग कुछ है भाई, हाँ अलग कुछ आ गया, तो आप जाइए आप बी के कॉरस्पॉन्डिंग का मिनिमम 3 देख लीजिए मेरे भाई, जो आपका आ रहा है, ठीक है, जो भी आ गया आपका आप उसको देख लीजिएगा एंड देन आप सिंपल ऐड कर दीजिए, मतलब जो भी आया मानो वो आपका यू नहीं होना चाहिए पहली बात, और जो आप अभी ये हो अभी क्या यू एक्स ही हो, एक्स नहीं होना चाहिए बस, बाकी कुछ भी हो जाए इट्स फाइन एंड आंसर इज इक्वल टू व्हाट, मैक्सिमम ऑफ आंसर का लीस्ट स्कोर ऑफ एक्स, लीस्ट पर स्कोर लीस्ट तो आपके ये दोनों का स्कोर था यूबी का, और एक्स अभी जो यू की तरफ से ये हो और वाई अभी जो आप बी की तरफ से ये हो, आंसर का अपडेट कर देंगे मैक्सिमाइज करके, बस खत्म, रिटर्न करना एंड आंसर, एंड अगर कुछ होगा ही नहीं भैया क्या पता आंसर आएगा ही नहीं, कुछ ऐसा चार रन का लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करे तो आंसर माइनस वन में बाई डिफॉल्ट कर ही रखा हूँ, तो माइनस वन रिटर्न हो जाएगा राइट, खत्म, एक्सेप्टेड कोड है गाइस, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा राइट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, सिंपल ही था एंड अगर किसी बस ये डाउट आ सकता है भैया आप इधर 3 3 क्यों ले रखे हो,
ये तीन क्यों ही हो। मैं अभी आपको ये क्लियर किया कि इधर आपको तीन इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि हो सकता है जो टॉप थ्री है एक टू वी के कॉरेस्पॉन्डिंग यू आ जाए, यू तो ऑलरेडी आप ले चुके हो, और एक टू एक्स ही आ जाए ये भी आप ले चुके हो, तो ऑलरेडी जो आएगा वो मैच करेगा ये करेगा, तो टॉप तीन आप देखो हो सकता है पहले ही मैच कर जाए, वेरी गुड ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हुई आप तीन क्यों ही हो, एक तो उसका आपका वी आ जा रहा है, यू के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वी आ गया तो रिपीटेटिव हो जाएगा, और भैया दो क्यों ही है फिर, मान लो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नेक्स्ट होगा वो टेन है मान लो, और वी के कॉरेस्पॉन्डिंग वो टेन तो आ ही रहा है ठीक है, नेक्स्ट वाला वी के कॉरेस्पॉन्डिंग सिक्स है लेट्स अज्यूम, तो आप इसका भी टेन ले लिया मेरे भाई, और जब आप क्या लोगे टेन तो ले नहीं सकते क्योंकि इसका था, तो आप सिक्स ले लोगे, टेन से सिक्सटीन आपका आंसर आ गया। अब इसका मान लो थर्ड हाइएस्ट नाइन, तो आप इसका अगर आप नाइन ले रहे हो तो इसका कौन सा लोगे, टेन लोगे, आंसर बेटर हो गया कि नहीं हो गया, तो ये केस हो सकता है कि इसका थोड़ा कमा दो इससे भटके आंसर बेटर आ सकता है, एंड इसके नीचे और जाएगा नहीं क्योंकि और रिपीट ही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं चौथा ये भी लूंगा तो फिर तीसरा में हमेशा आंसर आएगा ही आएगा, अगर दूसरा में आंसर नहीं मिल रहा तो तीसरा में मिलना कंपल्सरी है, क्यों इसका दूसरा में आंसर क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इसके पास रिपीट हो रहा है तो तीसरा में आंसर मिलेगा, तो उस तरह रिपीट हो ही नहीं सकता क्योंकि दो ही मैक्सिमम पहला दो को ही रिपीट कर सकता है वी अपने साथ, वी में अगर रिपीट हो रहा होगा तो मैक्सिमम पहला दो रिपीट हो सकता है, तीसरा रिपीट नहीं हो सकता, तो वर्स्ट केस में तीसरा में बेस्ट आंसर मिल जाएगा, इंटिशन में समझने में आ रही है तो वेरी गुड, एंड बस इतना ही कोटा, एंड हमेशा थम रूल बोलते हैं जब भी तीन का कुछ दिखे तो हमसे बीच वाले को टारगेट करो बाकी तो काम बन जाता है आपका हमेशा, ये फिर बोल रहा हूँ देखिए आप कितनी बार ये कॉन्टेस्ट में आ चुके हैं सेम चीज मैं बार बार बोलता हूँ, या रिमेंबर इट एज अ थम रूल अगेन आई एम सेइंग इट, सो या ध्यान रखिए अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू लाइक शेयर एंड गाइस सब्सक्राइब करके जाइएगा, बहुत लाइक 10% ऑडियंस सब्सक्राइब करती है बाकी सब चले जाते हैं बिना सब्सक्राइब किए, कर दीजिए यार ठीक है, तो यार ध्यान रखिए मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड चैलेंज चल रहा है यू कैन चेक आउट द चैलेंज लाइक इसमें गारंटीड ग्रोथ है आपका, ग्रोथ चाहिए तो चेकआउट कर सकते हैं नहीं तो जाइए जाइए, या बाय बाय जय।